हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस न्यू वीडियो आज के वीडियो में हम इसके आगे जानेंगे कि भानु प्रताप नाम का एक राजा है। राजा ने कहा कि भानु प्रताप नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार करने के लिए बढ़ते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन किए हैं, ये राजा ने कहा। इसके आगे आज शुरू करते हैं। तब तक आप मेरा सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए और अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ, या जो नए दर्शक हैं वो जानने कि मैं ये रामचरित मानस का पाठ एक मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ। एक ये मेरा एक अच्छा उद्देश्य है और इसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ, तो आप मेरा सहयोग करें। तो आज का पाठ हम शुरू करते हैं। हम कहे दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयऊ अधि आरा, जोजन सत्री नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहूँ आजू अज जानी तुम ही जाए होत विहान। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, जैसी मिलई सहाय, आपनो आवई ताही पई ताही तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती हैं या उसको वहाँ ले जाती हैं। भले ही नाथ आयसु धरी सीसा, बांधी तुरक तरु बैठ महीसा, नृप बहु भांति पंसेव ताही, चरण वंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर सा राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनी बोलेउ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करौ निठठाई, मोही मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बताइए। ते ही न जान निप निपही सो जाना, भूप सुहद सो कपट सजाना, बैरी पुरी छत्री पुनी राजा, छल बल की न चही निज काजल। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था, वह कपट करने में चतुर था, एक तो बैरी और फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना जानता था, चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती, सरल वचन निब के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था, उसकी छाती आवे की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी वाणी मृदुल, बोले उ जुगती समेत, नाम हमार भिकारी अब निर्धन रहित निकेत।
वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। कह निर्वृत जय विज्ञान निधाना, तुम्हें इस सरीखे गलित अभिमाना, सदा रहे ही आपनो अपन दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। ते ही ते कह ही संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय करी तेरे, तुम्हें सम अधन भिकारी अगेहा, होत विरंची सिवही संदेह। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरी के निर्धन भिकारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तव संत हैं या भिकारी। तो अभी मैं जिस मंदिर के लिए ये रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ उसे मैं डालती हूँ। तो आपने देखा वो मंदिर 60-70 साल पुराना जिसे मैं बनवाना चाहती हूँ और मैं इंडिपेंडेंटली बनवाना चाहती हूँ, तो इसी के लिए आप मेरा सहयोग करें। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। जोशी सोसी तब चरण नमामी, मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले वो अधिक स्नेह जनाई, सुनू सती भाव कहूँ मही पाला, यह बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अब लगी मोह न मिले को, मैं न जान वह कहू, लोक मान्यता अनल सम पर कर्तव्य कानन दाहू, अब तक ना तो मुझे कोई मिला ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुवेशु भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर ही केकी ही पेखु, वचन सुदासम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुबुत रहु जग माही, हरि तति किम भी प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहूँ कवनी श्री लोक रिझाए। इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता, प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को डिजाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तमा सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तोही, दारुण दोष घटही अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। इन दोहों का मैं हिंदी रूपांतरण कर रही हूँ ताकि आप सबको दर्शकों को अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोगों को तो समझ में आता है, बट जिनको समझ में नहीं आता है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, तो सबको समझ में आ जाएगा।
जिमी जिमी तापसु कथई उदासा, तिमी तिमी निर्भही उपज विश्वासा, देखा स्वस करम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा का विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोलेऊ मुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपर जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उजी जबी, तब उत्पत्ति भय मूरी, तब एक तनु हेतु ते ही देह न धरी बहूरी। मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जानी आचरज आचरजु करहूँ मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्रात्रा। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल संभू करहीं संगारा, तपते आगम न कछु संसारा, भयव नृपही सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कह सो लागा। तपही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बहुत बड़ा अनुराग हुआ, तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कसे ही कहेसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकार से इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीब तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ, कह तापस नृप जानेऊ तो ही, किनेऊ कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। तो आज का पाठ यहीं तक, फिर कल मिलते हैं एक नए पाठ में, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, और देखते तो बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए पाठ में रामचरितमानस के, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।